की रक्षा करते हुए शहीद हुए। डायरेक्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी आईपीएस, इस 11वीं पुलिस शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में इसी तरह से जो सरकार ने उठाया, जिसमें कि मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं और इससे हमारे शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। यदि आप भी अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं उज्जवल, तो विजडम ट्यूशन सेंटर लाया है आपके लिए सुनहरा मौका, जहां 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 8वीं से 12वीं कक्षा तक की एडमिशन्स करवाई जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहां पर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स के एडमिशन्स दी जा रही हैं। विजडम ट्यूशन सेंटर में आपको एक से बढ़कर एक टीचर्स मिलेंगे, जो कि आपके बच्चों के डाउट्स को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क। इस तरह की इवेंट्स जो हमारे शहीद साथियों की याद को कमेमोरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज होती हैं, जहां पर पहले ही मैराथन की इवेंट बड़ी पॉपुलर हुई, इसके साथ साथ ये क्रिकेट का टूर्नामेंट जो हर साल जहां पर ऑर्गेनाइज होता है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनको याद करने के लिए, मुझे लगता है कि ये इवेंट भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हर साल इसकी मकबूलियत पहले से बढ़ती जा रही है। इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे समाज के लोग मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी आने वाले चंद दिनों में फुटबॉल की ऐसी एक बड़ी इवेंट कश्मीर में ऑर्गेनाइज होने जा रही है, उससे पहले हॉकी की इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी। यहाँ पर आपको मिलेंगे और अन्य सेवाएं भी। इसके साथ साथ पहली बार आने वाले ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है होटल नटराज। तो बनी में जब भी होगी होटल की बात, तो एक ही नाम होगा यार, होटल नटराज। इसके साथ हम और भी एफर्ट कर रहे हैं, जो लोग पहले ही शराब पे कहीं ना कहीं मुलव्वस हैं, इस तस्करी में इसकी कंजम्पशन में जो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने में, उनका साथ देने में, उनको इस वबा से बाहर निकालने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़ा काम कर रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर तमीर किया जा रहा है। पहले भी एक सेंटर बहुत बढ़िया हम चला रहे हैं जम्मू में, मगर वो जगह हमें कम पड़ने लगी है। अभी एक नया सेंटर तमीर हो रहा है, हमारे पास डॉक्टर्स की, बाकी जो लोग उनको जो काउंसलिंग करते हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है। इसी तरीके से कश्मीर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाउनटाउन में चल रहा है जो ड्रग डिडिक्शन में मदद कर रहा है। रेंज लेवल पर भी ड्रग डिडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, जहाँ तक कि अब लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी है कि इस तरह के ड्रग डिडिक्शन सेंटर और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खोले जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस एरिया में भी हम लोगों का साथ दें। टीआरएफ ने सर एक और फतवा कल जारी कर दिया है, कितना? टीआरएफ के फतवे बुनियादी तौर पे टीआरएफ एक माउथ पीस है, पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे दहशत गर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह की बयानबाजी का। ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहाँ पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है, जहाँ की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की जाएं, उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। टीआरएफ, मैंने जैसे पहले कहा, हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, ऐसा है कि ट्रेनिंग कैंप चलते ही रहे हैं, उनकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं, जहां पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश होती है। हम लोग जैसे पहले कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इस साल पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। हमारी बॉर्डर की ग्रिड बड़ा मजबूती से काम कर रही है, बाकी जो ग्रिड्स हैं एंटी टेरर वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह की जो भी साजिश किसी लेवल पर हो रही है उसको भी हम लोग सख्ती से कुचलेंगे, और अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है उसको नाकाम करेंगे।